तो मम्मी को खाना हल्का हल्का देना है, तो मैंने बना रखी है मूंग की दाल पतली सी, और उसके साथ देते हैं उसको जूस। तो यहाँ पे बाबूलाल अपने एप्स देखते हुए कितने आए सब्जी मंडी जाने के लिए कितनी तैयारी करने लगे। गर्मी से हाल बेहाल हो चुके हैं बब्बू के किचन में, बाप का इतना हंगर उठता है ना। अपनी दवाई तो तुम वहीं भूल गई। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, पहला का आपका स्वागत है हमारे आज के नए ब्लॉग पे। तो टाइम हो रहा है 10:30 और अभी हमारी शुरुआत तो सुबह सुबह हो रही है। सुबह की नाश्ता सूखे सूखे आजकल ब्रेड बटर और चाय, और यहाँ पर को हमारी मिसेज बैठी हुई है। कुछ कहना चाहेंगी आप? हाउ आर यू फीलिंग? अभी तो फिलहाल ऐसी है, मे बी शायद 1 वीक तक थोड़ा है ही दिक्कत, फिर ठीक हो जाएगा, बट इतना है कि ज़्यादा पेन उतना नहीं होता था, थोड़ा सोचा टच वट कर ले। मैं वही आ रही, कभी कभी टच वट भी कहाँ करे, कुछ है नहीं यहाँ। तो फिलहाल करते हैं चाय नाश्ता, उसके बाद मिलते हैं आपको, दिन भर की व्याख्या सुनाते हैं आपको। आज संडे नींद ही नींद है। तो मम्मी को खाना हल्का हल्का देना है, तो मैंने बना रखी है मूंग की दाल पतली सी, और उसके साथ देते हैं उसको जूस। किचन ऐसा फैला पड़ा है क्योंकि काम मैं कर रहा हूँ, मन्नू आजकल रेस्ट में है, तो लड़कों का पता ही है आपको कैसा फैला रहता है किचन। जब आपको सर्व करने के लिए बड़ी ट्रे ना मिले तो आप चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मेरी तरह। दोनों पीले पीले हो रहे हैं। खुल्ला सिम से लो मैडम। कब हो गया आपका काम धाम है? कमरे की हालत अस्त व्यस्त पड़ी हुई है क्योंकि क्योंकि हम भी अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। ऐसे कुछ बड़ी मत बयान करके, अंदर थोड़ी देर बैठी हुई, अभी वो ठंड लग रही है, हेडेक भी हो रहा है। जब तक बैठा जाता तब तक बैठ, उसके बाद फिर लुढ़क जाऊंगी अभी। और बब्बू पे आ चुका वर्कलोड इस वक्त, बब्बू अपना काम भी संभालते हुए यहाँ पे। कल से ब्लॉग कर बनाए, कल साफ बना लेना सुबह 3-1 बजे तक, उसके बाद फिर बाद में शुरू। कमर पीठ है गरीब चला, काम काज ज्यादा है बने। नहीं आने हम मतलब गैस की कुछ तो हो रहा। तो वही बब्बू की यहाँ पर आ गई है चाय, चाय और पीछे चाय गोजो के साथ। गोजो ही नहीं खत्म हो रहे हमारे तो। तो यहाँ पे बाबूलाल अपने एप्स देखते हुए कितने आए सब्जी मंडी जाने के लिए कितनी तैयारी करने लगे। बब्बू क्या सोच रहे, क्या सोच रहे हो आप? मैं तो यहाँ पे लेटी पड़ी हूँ, बैठने में मेरा हेडेक हो जा रहा है बहुत ज्यादा। जब लेटी तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, इसलिए मैं लेटी पड़ी हुई हूँ। बब्बू जा रहे हैं मांडे में, बब्बू जा रहे मंडी, ठंड लगना से मैंने अपने आपको कवर कर रखा है। तो बब्बू जा रहे मंडी सामान लेकर आने के लिए, सब फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आएंगे। आराम करो, मैं आता हूँ सब चीज़ ठीक है। जल्दी फ्रूट्स वगैरह देख लेना कुछ, जो कल दिन भर खाने के टाइम पे, मतलब इससे पेट सही रहे मेरा। तो अभी हम मार्केट आ गए हैं सब्जी वब्जी लेने, गाय कम बड़ी है। मनु ने कहा था संतरे लेके आना, संतरे तो दिखे नहीं रहे भाई, इसके पास भी नहीं। गाय गाय दिख रही है मार्केट में, और संतरे शायद गाय भी हो गया मार्केट से, सब सूख गए। इधर को तो सारी सब्जियां ही सब्जियां, खीरा तो मेरा नहीं चला, घर पे चलता हूँ। इतना ट्रैफिक है इस रोड में भी, जबकि सब्जी मार्केट ही है मोस्टली, और गायों की भीड़ है हर जगह, गाय गाय दिख जाए। लोग तो आंखें बंद करके गाड़ियां चलाते हैं।
यहाँ दिख रहे संतरे रोड में। भैया संतरे क्या दे रहे? ठीक है, दूध लाना भूल गया था, फिर से गया सुबह सुबह, नहीं तो चिल्लाती चाय लवर चाय चाय चाय। तो मेरे लिए तो है मेरा चिकन यहाँ बचा ही है, अपन तो यही खाएगा। और मन्नू के लिए हम बनाएंगे एक गुटा, दूध उबालने के लिए रखा है, तो मन्नू के लिए हम बनाएंगे खिचड़ी। Someone leaves rent free inside my head. I see I'm not okay. I'm terrified when I go to sleep. When I close my eyes, what the hell am I? खिचड़ी तो हमने रख दिया पकाने को, चलो पानी भर लेते हैं। अरे यार तो है नहीं, अपने घर की बटन भूल गया मैं, कौन से पानी का कौन सा नीचे गेट का है बताओ। इसके साथ इतने सारे अब बर्तन भी हमारे पास, और सारे बर्तन अब धोने पड़ेंगे। गर्मी से हाल बेहाल हो चुके हैं बब्बू के किचन में। बाप का ना है उठता है ना है? बाप का किचन में कहा मैंने कहा व्लॉग बना रही थी लेटे लेटे बताया बंद करो लेटा बड़ा हुआ है कमरे की पूरी अंदर से लेके बाहर तक। क्या बना के आए? बनाई नहीं अभी, बन रही है चढ़ी चुके पानी भर के। अरे 9:30 बजने वाला है क्या? बाबू की हालत खराब हो रखी है, करने को कर लेते हैं बट गर्मी के टाइम पे ना बहुत दिक्कत हो जाती है, जो वाट लगती है ना पसीने की।